गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का यह नारा मोदी सरकार के लिए अभिशाप बन गया। दिसंबर 2017 में पहली बार राहुल गांधी ने राफेल सौदे में घोटाले का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से राहुल राफेल को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते रहे। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। मोदी जी को छोड़ो नामदार, इस कामदार की क्या, ठीक है हम तो है कामदार है, लेकिन एक काम करो, आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए, और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा छोड़ा नहीं, हालांकि सरकार के प्रतिनिधि बार बार राहुल के आरोपों का खंडन करते दिखाई दिए। भारत को मारक वायुसेना के विमान की आवश्यकता थी, 85 से वायुसेना इसके लिए आग्रह कर रही थी। राफेल की क्वालिटी के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। आज हमें इस बात का बहुत संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। द इंटायर डील वॉज कम्प्लीटली फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। पिछले सितंबर महीने में कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटकर राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नरेंद्र मोदी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी जहां जहां गए वहां वहां राफेल का मुद्दा उठाते रहे। यही नहीं, 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट ठहरा दिया। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है, और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। इसका ये जो पहले लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है, और ये रियलिटी है। रियलिटी है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी सच्चाई निकलेगी। अब राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के हाथ से जहां एक बड़ा मुद्दा फिसला है, वहीं अब बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहेगी।